हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग. आज हम दोनों साथ में वर्कआउट कर रहे हैं आफ्टर सो लॉन्ग, आफ्टर आई थिंक 1 ईयर, राइट? तो बड़ा मज़ा आता है यार साथ में वर्कआउट करना. बड़ा अच्छा रहता है कि साथ में एक दूसरे की हेल्प कर दो. लाइक जैसे ट्रेनर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, तो ऐसे हम दोनों को भी अच्छा लगता है. क्योंकि हम पहले भी वर्कआउट साथ में क्या करते थे. दिव्या दीदी, वी आर मिसिंग यू, क्योंकि तू बहुत लेजी है, तू बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती. जो मेरी सबसे बड़ी वाली सिस्टर है ना, उसको पसंद ही नहीं है, है ना? हाँ. उसको नहीं है कि यार वो थोड़ी उसका पेट, उसका टमी निकल रहा है या उसका कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है. डबल चिन आ रहा है, बट हमें बहुत, हम बहुत कॉन्शियस रहते हैं यार, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए. बहुत ही सुंदर व्यू है ये वाला, और अभी अभी सनराइज होने ही वाला है बस थोड़ी देर में, तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू लखनी व्लॉग्स. आज हम जा रहे शॉपिंग करने वेडिंग के लिए. लहंगा फाइनल होगा नीतू का, मेरा पता नहीं क्या होगा. बम्मू की ड्रेस फाइनल होगी, मेरा लहंगा चुन्नी मेरा क्यों होगी, कैसी है यार ये, क्योंकि कहाँ पे हो रही है क्या, ना मैंने डेट बताई ना मैंने वेन्यू बताई. बता देगा धीरे धीरे. आप मुझे इतना पागल समझती हो क्या? टाइम बहुत है अभी, तो सब बता देगा, सब पता चलने वाली है. मैं इतना पागल समझती हूँ, मुझे समझती हूँ 100%. What? अरे भैया तैयार हो जाओ, ऐसे चलोगी वहाँ, लोग कहेंगे खुद तो आए सज के अपनी मम्मी कैसे ले आए. तैयार हो मम्मी? मम्मी ऐसी जाएगी, मम्मी जल्दी तैयार हो जाओ. मम्मी हुई से पहन के आएगी आज, मैं से मलोतला करेगा. एक साथ थोड़ी मिल जाएगा, वो तो मम्मी 6-7 महीने पहले उसके हैं, वही पहनी आऊंगी मैं तो. ठीक है भाई चलो. तो दोस्तों हम निकल गए हैं दिल्ली के लिए, और मम्मी ने बताया कि मम्मी ने पापा का योगा लगवा लिया है, और मुझे भी कह रही कि मैं भी कल से योगा करूं सुबह सुबह. लेकिन मम्मी को पता नहीं मैं योगा कौन सा करता हूं. हाँ. मैं योगा करता हूं ऐसे बस, मेडिटेशन बैठ. ये नहीं करेगा और कौन सा, ये ना चलेगा और कौन सा, इससे योगा की क्या, योगा करना है नहीं बढ़ जाएगा. अरे ये भी योगा ही भाई, चाहे 2 घंटे बैठा लो फिर ऐसे. मुझे योगा में सबसे अच्छा लगता है शवासन, बस लेट जाओ मजे से. और मम्मी ने नीतू के लिए भी पूछा है, और जो योगा हमें सिखा रहे हैं मम्मी की जो ट्रेनर है वो हमारी सोसाइटी में रहती है, तो ये अच्छी बात है. और दूसरी बात उन्होंने नीतू के लिए बताया सर्वाइकल के लिए, क्या थी एक्सरसाइज बताओ भाई. बताया ऐसे, मतलब वो देख रही होंगी तो उन्हें, व्लॉग देखती है ना, वो व्लॉग देखती है ऐसे. इसका सांस चल जाएगा 2-3 बार करती है ऐसे. नहीं कर लेगी कर लेगी नहीं तो. हाँ. तो पहले हम डलवाते हैं गाड़ी में डीजल, उसके बाद हम ऐसे चलेंगे. पहुंच गए हम स्टोर पर, मेरी दोनों बहनें आ चुकी हैं, दीदी ऑफिस से आ गई है और अग्रता पहले ही पहुंच चुकी है. अग्रता का है, अब आओ अग्रता से मिलवाता हूँ आपको. कैसी है बहन? बढ़िया. देख रहे हो मम्मी बहाने मार रही थी, चले नहीं चले नहीं बहाने चले. कितने दिनों बाद आ जाओ फाइनली. ओके सो गाइस, हमने जो अपनी फर्स्ट लोकेशन थी वहाँ पर ऑलमोस्ट सब कुछ एक्सप्लोर कर लिया. अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं जो कि यहाँ से शायद 20 मिनट दूर है, तो क्योंकि एक गाड़ी में फिट नहीं हो पाते तो वो सब आ रहे हैं अग्रता वाली गाड़ी में, मैं आ रहा हूँ अकेला इधर. अब फाइनली आए हम फैमिली लंच पर, यहाँ अग्रता लेकर आई क्योंकि इसको यहाँ की सुशी बहुत पसंद है. सुशी मम्मी भी खाती है, नीतू भी खाती है, हम दोनों खाएंगे पास्ता. क्यों बहन? सुशी नहीं खाओगे मम्मी? आप सुशी भी खा लेंगे, पास्ता भी खा लेंगे. अग्रता तो इन्होंने कुछ ये नई सी चीज़ ला के रखी है, और ये हम सब आपस में सोच रहे हैं क्या. टेस्ट करो कैसा है? नहीं चिकन नहीं, मम्मी खा के देखो ना, बना ना. अरे खा के देखो ना सब लोग, अच्छा है. अच्छा खाओ 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 तो खाओ तो. योगर्ट का डिब्बा है, कैसा लग रहा है? तूने टेस्ट कर लिया बहन? मैं तो क्या हो गया जरा दरम खा लिया, गरम भी नहीं बोल पा रही हो. तो भाइयों ये 2 तरीके के इसने डम्पलिंग्स मंगाए, मैं वही खाऊंगा जो ठीक होंगे. चल भाई हमारा, तू हमारा एक्सपेरिमेंट वाला बंदर है. कौन सी? अरे ये नहीं है मम्मी, वो ये नहीं है, वो तो अजीब सी होती है कुछ, ये तो फिर भी ठीक. गुड मम्मी, गुड. तो हमारे बीच 2 ही लोग हैं जिनको चॉपस्टिक यूज करना. मम्मी ने अभी सीखा. हमने देख लिए काफी सारे लहंगे. सोनी सबसे अच्छा कौन सा लहंगा आपको? फाल्गुनी का. मॉम सबसे अच्छा आपको कौन सा? बिल्कुल फाल्गुनी. और मनीष मल्होत्रा का भी अच्छा लगा. तो दीदी को मनीष, आपको अच्छा लगा? नहीं अच्छा था, पर मुझे फाल्गुनी के साथ अच्छा लगा. तो मुझे भी अच्छा लगा, उसका फुल स्लीव था तो फुल स्लीव अच्छे थे. हाँ प्यारा था. अग्रता अब हमें कहाँ लेकर जा रहे हो? सोनी दीदी ने बहुत चलाकी दिखाई, जो सोनी दीदी को चाहिए था वो भी मुझ पर ट्राई करवाया, खुद ने ट्राई नहीं किया क्योंकि फिर चेंज करना पड़ता और ये सब. मतलब मैं अपना भी लहंगा देख रही हूँ, इनके भी कपड़े देख रही हूँ. पहनने वाले की गलती है, पहनने वाले की. आप बताना कौन इसकी गलती, पहनने वाले की. आई एम नॉट लाइंग बट मैं इतना ज्यादा थक चुकी हूँ, इतना ज्यादा थक चुकी हूँ कि मैं बता नहीं सकती. मेरे पैरों ने जवाब दे दिया है. सोनी दीदी मैं बहुत थक चुकी हूँ. क्यों पीछे हो गए?
और अग्रता को, अब अग्रता दीदी मॉम सब देख रहे हैं, बट मैं मेरा लहंगा अभी फाइनल नहीं हूँ। सोनी दी बहुत बकवास करके गई हैं, और ये कुछ लहंगा, यहाँ बड़ा सुंदर सुंदर कलेक्शन है। ये वाला लहंगा देखो कितना सुंदर लग रहा है, सोनी दीदी की शादी में मैं ऐसा लहंगा पहनूंगी। और मैं तो ये सोच भी नहीं सकती थी कि इसमें इतना सर दर्द होता है। लाइक मैं 5 स्टोर्स में गई हूँ, मनीष, मनोत्रा, सब्य साची, फाल्गुनी एंड दो का तो मुझे नाम भी नहीं पता, शायद राहुल बत्रा ऐसी कुछ। सबसे अच्छा मुझे सब्य साची लगा, नंबर 1, ऑब्वियसली उसको तो अच्छा लगेगा ही, एंड नंबर 2 मनीष मनोत्रा। फाल्गुनी का भी अच्छा था बट फुल स्लीव्स थे, तो ये ज़्यादा सब लोग उसको ज़्यादा वोट कर रहे हैं फाल्गुनी के लहंगे को। बट फाल्गुनी का लहंगा थोड़ा ओवर मुझे लगा, मतलब ओवर शाइन, ओवर ब्लिंक ब्लिंक कर रहा था, सो मुझे वो ज़्यादा पसंद नहीं आया। मुझे मनीष और सब्य साची पसंद आया, तो अब परसों आएंगे मम्मी को लेके, मम्मी और मतलब हमने पिक्चर्स ले ली, हम फाइनल करेंगे सब साथ में बैठ के, देन हम लोग परसों आएंगे फिर डिसाइड करेंगे कि कौन सा लेना, और बुक करके चले जाएंगे हम परसों, क्योंकि लहंगा एक ऐसी चीज़ है जिसमें 3 महीने लगते ही लगते हैं। अगर आपकी शादी अगर आप फिक्स करना चाहते हो तो ये मैं बता दूँ, पहले मुझे ऐसा लगता था 9 मंथ्स का टाइम है, बट नहीं, लहंगा अगर आपको लेना है तो 3 महीने में आपको लहंगा रेडी मिलेगा, 3 से 4 महीने लग जाते हैं। ऐसे करना, 3 से 4 महीने पहले ही आना देखने के लिए, और मेरी तरह ज़्यादा दिमाग मत लगाना। अग्रता कुछ आया पसंद? नहीं आया, मुझे बड़ा परेशान कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये कुछ खरीद नहीं रही है, ये चाहती कि शादी में ना आए, है ना? अच्छा, आपको लगा तुम सिर्फ मुझे मुझे दिखाने के लिए आई हो लहंगे कि आप ये लो, आप ऐसा लो वैसा लो, अपने लिए नहीं, गलत बात है। ऊपर इतने ज्यादा फेक एलिगेशन। मॉम, हेलो मॉम, थक गए आप? हाँ सुन दीदी, आप तो घर ही जाओ, दोनों ना आपके दोनों बच्चे छोटे। अच्छा गाइस एक चीज बताती हूँ, सोनी दीदी को साड़ी पसंद आई है जैकलीन वाली, जो जैकलीन ने हाल के लाली में पहनी थी। सोनी दी कैसे पसंद आ गई आपको वो, तो क्या पसंद आया आपको साड़ी में? साड़ी बहुत सुंदर है, साड़ी बहुत सुंदर है, और वो मुझ पर ज्यादा अच्छी लग रही थी ना, इसलिए नहीं, ना? नहीं, नहीं। मैंने वो ट्राई की थी और मुझ पर ज्यादा अच्छी लग रही थी, इसलिए दीदी ने बोला तुम्हारी याद में मैं ये लूंगी। ठीक है दीदी, और तुम मुझे दिला रही हो। ये हमारी ब्राइड आ गई, ये हमारी दूसरी लोकेशन भी हमने देख ली पूरी अच्छी तरीके से, छान ली, और यहाँ भी कुछ आइटम्स थे जो सेलेक्ट किए, मतलब लेकिन अभी निकलवा के लिए हम साइड रख रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम खरीद ही ले रहे हैं, क्योंकि तो यार बहुत महंगे होते हैं यार। गाइस आपको पता है मैंने अपनी लाइफ में सोचा भी नहीं था, हम जब सबसे पहले गए शायद उसका नाम था सब्यसाची, सब्यसाची पर जब गए तो लहंगा पता कितने का था, 18 लाख का, आप सोच सकते हो। मैंने सोचा था महंगे से महंगा भी यार 3 से 4 लाख का होगा, लेकिन 18 लाख मेरी सोच से भी 6 गुना ज़्यादा तो है। लोग खरीदते भी हैं भाई, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेरे लिए नई चीज़ थी वो। अग्रता हमें लेकर आई है यहाँ पर, ये कौन सी जगह मुझे भी नहीं पता, बिल्कुल वही पता चल रहा है, अग्रता पर टूर गाइड बैठा, ब्राइडल लहंगे ये दिखवा रही है हमें सबको। ओके गाइस तो अभी हम यहाँ पर हैं। अग्रता, अगर तूने आज यहाँ से कुछ नहीं लिया ना, सुबह से तुम्हारा पागल बना रही है यार, ये बंदी कुछ ले ही नहीं रही कुछ से। अच्छा बाल खोली, बहुत सुंदर लग रही है, इधर देख, इधर देख, ये अच्छा ये है अमेजिंग अग्रता, इसका पूरा नाम। ये बहुत पागल लड़की है, मैं क्या बताऊँ, ये अग्रता इतनी प्रिटी लग रही है कि मैं क्या ही बताऊँ। मेरी शादी हो रही है गाइस, तुम्हारी भाई की शादी है ना लगन? हाँ यार बहुत अच्छी लग रही है, देख अच्छा लग रहा है। यहाँ पर इतना अच्छा कलेक्शन है कि मैं बता नहीं सकती हूँ, मतलब अग्रता इतनी अच्छी जगह लेकर आई है, मुझे तो ऐसा लगा कि चांदनी चौक टाइप। बता भी तो लोगों को कहाँ पर है। हम घूम रहे हैं चांदनी चौक की गलियों में, चांदनी चौक की गलियों में। ये जगह इसका नाम है शाहपुर जाट, और यहाँ हम पहली बार आए हैं, वो भी अग्रता लेकर आई है, लेकिन यहाँ आपको आना चाहिए। इस लड़की में बहुत टैलेंट है, और हमें यूज़लेस लगती थी, नहीं यूज़लेस नहीं, मुझे लगता था नहीं पता होगा इसको ज़्यादा, कब पता इसे। ये लंदन से आई है लेकिन एकदम देसी लड़की है। हाँ लंदन जाके लोग देसी नहीं रहते, नहीं रहते हैं। और खा ले, ये तो थक गए यार अब, है ना? बिल्कुल भी जान नहीं। फ्रेंड शॉपिंग अपनी आज की डन हो गई, आज का सेशन डे ऑफ, अब शायद कल परसों में दोबारा आना पड़ेगा। चलते हैं घर की तरफ, बहुत सारा जाम है यार यहाँ पर, 2 घंटे तो अपने को हो गए, अभी तक तो हम कहीं भी पहुंचे नहीं है। फाइनली घर आ गए, गुची का रिएक्शन देखते हैं अभी एक बार। ये तो कैसा रहा आज का दिन?
बहुत बहुत अच्छा लेकिन थक गया ना, बहुत ज्यादा थक गया क्योंकि चलना बहुत पड़ा ना इस वजह से। तो अब हम मिलने वाले हैं अपने दूचू बेटों से, देखते हैं वो कैसे रिएक्ट करता है। मुझे तो पता है कैसे रिएक्ट करेगा। और यार उसने फिर से आज खाना नहीं खाया, क्या खराब हो गई है। दूचू गुची चलो भाई सबसे पहले खाना खिलाते हैं, हैंड वॉश करते हैं, है ना। आओ जी, मेरे बैग लेकर आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो अब भाई बारी है कि गुची को कुछ खिलाया जाए। चलो गुचू खा लो, ईट ईट। आज के लिए धरने पे बैठ जाता है भाई अगर इसको हम लोग नहीं दिखते। दीपक भैया थोड़ा और टमाटर दो। खा जाओ खा जाओ खा जाओ। टमाटर खा रहा है अभी? टमाटर टमाटर से खा रहा है। कोई नहीं, कैसे भी खाए, बस खाए तो सही कम से कम। लो बेटा आ जाओ, कम आ जाओ। तो अब टाइम हो गया यार चेंज करके और सीधा सीधा जाता हूँ मैं सोने। गाइस उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा, प्लीज लाइक करना मत भूलना और कमेंट में बताना जो भी नीतू ने आपसे पूछा था इस ब्लॉग के अंदर। मिलता है कल नए ब्लॉग के साथ, बाय।